तो कल से हरियाणा विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। विपक्ष भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। रादौर से कांग्रेस विधायक बिश्नलाल सैनी ने विधानसभा में यमुनानगर में हुई जहरीली शराब कांड और जिले में चल रही अवैध माइनिंग को लेकर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाया। रादौर विधायक से बातचीत की है हमारे संवाददाता राहुल सहजवानी ने। 15 तारीख से यानी कि कल से जो है हरियाणा विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे में सरकार की तरफ से जो है पूरी तैयारी कर ली गई है और विपक्ष ने भी जो है अपने सवाल जो है वो तैयार कर लिए हैं। इस समय हमारे साथ रादौर से कांग्रेस के विधायक है बिश्नलाल सैनी, इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ सवाल जो है वो सरकार से रहेंगे और क्या कुछ तैयारियां जो है इनकी तरफ से की गई है। सर, क्या कुछ सवाल जो रहेंगे जो आपने विधानसभा में सरकार से पूछना है? देखिए, सवाल तो बहुत सवाल हैं जो हमारे जितने भी साथी हैं कांग्रेस के, सब ने अपनी अपनी तरफ से अपने अपने प्रश्न तैयार किए हैं और स्पीकर साहब को भेजे हैं कार्रवाई के लिए। उनका सरकार की तरफ से क्या उत्तर आता है उसके ऊपर हम बोलेंगे। इसी प्रकार से हमारे साथियों ने और खुद मैंने भी कॉलिंग अटेंशन मोशन लगाए हैं और एक हमारा एडजॉर्न मोशन भी है। तो इस प्रकार से अब स्पीकर साहब देखते हैं कि इस कौन कौन से कॉलिंग अटेंशन मोशन को वो रखते हैं, कौन कौन से को ड्रॉप करते हैं। मेरे दो कॉलिंग अटेंशन हैं। नंबर एक तो जो शराब, नकली शराब, जहरीली शराब, जिससे बहुत से हमारे लोग यहाँ जान से दो बैठे, उस पर हमने लिखा है, कॉलिंग अटेंशन लगाया है। भाई सरकार, एक तो जिसने भी ये कांड किया है, जो भी ये नकली शराब बनाता था, जहरीली शराब बनाता था, उस पर सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये जान माल का मामला है। और ये दूसरा कांड है हरियाणा प्रदेश के अंदर, जो पहले शराब कांड हुआ था सोनीपत के अंदर, उससे भी बड़ा कांड है। भाई नकली शराब बनाते थे, जाकर ठेकियों के ऊपर बिकती थी, खुर्दे बेचते थे। क्या सरकार को पता नहीं था? क्या पुलिस को पता, पुलिस प्रशासन को पता नहीं था? सब पता होता है इनको, लेकिन पैसा चलता है। लेकिन जो मरने वाला वो तो मर गया ना, इसके ऊपर हमने अपना कॉलिंग टेंशन लगाया है। और दूसरा जो है, जो इलीगल माइनिंग हमारे हरदौर के अंदर होती है, कि ठेकेदार लीज पर तो जमीन कुछ लेता है, माइनिंग कहीं और करता है और निकाल निकाल करके जो रेत बेचता है, यहां तक कि जो यमुना नदी है उसका जो नेचुरल पाथ है, जो रास्ता है, उसको भी ये लोग चेंज कर देते हैं, उसको रोक करके यमुना का प्रवाह दूसरी तरफ कर देते हैं, फिर वहां से माइनिंग करते हैं। और यहां तक देखने में आया है कि जो वहां पर पुल लगा है गुमथला के अंदर, उसके आसपास से भी इन लोगों ने भयंकर माइनिंग कर दी है। अगर इस प्रकार से वहां भी माइनिंग होती रही तो उस पुल के भी गिरने के चांस हो जाएंगे, वो भी गिर जाएगा। और सरकार का कोई ध्यान नहीं है, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। अगर किसी की शिकायत करते हैं, उल्टा शिकायतकर्ता को ही धमकाया जाता है। विकास की जो रेलगाड़ी है वो नीचे उतर चुकी है, कोई काम आज नहीं हो पा रहा है और सरकार को इस तरीके से जो काम कर रही है, अपनी सीट को छोड़ देना चाहिए। मुख्यमंत्री को चाहिए कि अपनी सीट से इस्तीफा दे और दूसरे किसी आदमी को मुख्यमंत्री का चांस दे। धन्यवाद बात करने के लिए। तो साफ तौर पर विधायक जो बिश्नलाल सैनी है, ये विधानसभा सत्र को लेकर तैयार हैं। दो कॉलिंग अटेंशन जो है इनकी तरफ से लगाई गई है और जो अलग अन्य जो जनता के मुद्दे हैं उसको लेकर भी सरकार को घेरने का काम जो है विधानसभा में किया जाएगा। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कुछ सरकार की तरफ से जो कॉलिंग अटेंशन लगाए जाएंगे उस पर क्या जवाब सरकार की तरफ से आता है। यमुनानगर से कैमरामैन राजकुमार के साथ राहुल सजवानी, टोटल न्यूज।